दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले 24 घंटे खुलेंगे बाजार, पढ़ाया जाएगा देशभक्ति का कोर्स। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बीजेपी को चुनौती, कहा कल 1 बजे तक तय करें सीएम कैंडिडेट, अगर नेता नहीं है तो चुनाव में माने हार। संसद के बजट सत्र के चौथे दिन जोरदार हंगामा, अनंत हेगड़े के खिलाफ विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रावण की संतान से की बीजेपी की तुलना। एनपीआर के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, 50 से 60 करोड़ लोगों को नहीं मालूम माता पिता की जन्मतिथि, ये सरकार बढ़ा रही है लोगों की परेशानी। एनआरसी को लेकर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जवाब, कहा अभी देश भर में एनआरसी लागू करने का फैसला नहीं, सीएए एनआरसी पर विरोध कर रहा है विपक्ष। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े की सफाई, कहा मैंने बापू और नेहरू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। बीजेपी ने की संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी बोले सब समझ गए कि बहुत अच्छा है बजट। दिल्ली चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने भी सांसदों को दिए निर्देश। केजरीवाल की हनुमान चालीसा पढ़ने वाली तस्वीर को लेकर कपिल मिश्रा ने किया ट्वीट, कहा केजरीवाल के बाद ओवैसी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कोर्ट ने 1 हफ्ते में मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी बीजेपी, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति से मिलेंगे कैलाश विजयवर्गीय। ममता ने भी बड़बोले नेताओं को लेकर बीजेपी को घेरा। जामिया हिंसा मामले को लेकर हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र ने मांगा समय, जामिया के छात्रों ने जांच की मांग को लेकर खटखटाया था अदालत का दरवाजा। कश्मीर के हालात पर बोली जायरा वसीम, हमारी जिंदगियों को कंट्रोल किया जा रहा है, घाटी में शांति का झूठा और असहज दिखावा किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हांगकांग जाने वाली फ्लाइट को एयर इंडिया ने किया कैंसिल, चीन में अब तक 300 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। इंदौर वाराणसी के यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से सौगात, हफ्ते में 3 दिन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का लिया गया फैसला, आईआरसीटीसी करेगी संचालन। मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर आई अच्छी खबर, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8 साल के उच्चतम स्तर पर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्वे रिपोर्ट में मिली जानकारी। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार छठे दिन आई गिरावट, दिल्ली में पेट्रोल का दाम घटकर 72.98 रुपए प्रति लीटर हुआ, कच्चा तेल 13 महीने में निचले स्थान पर। भारत पाकिस्तान के बीच आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, भारत के पास 7वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का मौका। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल को मिला मौका, मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ पर रह सकता है ओपनिंग का दारोमदार। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए ऋषि कपूर, दिल्ली के प्रदूषण से हुए थे बीमार, ऋषि कपूर ने ट्वीट कर लिखा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करीना कपूर खान के भाई की शादी में जमकर किया अनिल कपूर ने डांस, अरमान जैन ने लिए अनीसा मल्होत्रा के साथ साथ फेरे, सोशल मीडिया पर छाया शादी का वीडियो।